वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज है ईद का तीसरा दिन, तो दूसरे दिन ही जिन से सारे रहने आ गए थे, तो यहाँ पे जो है वो सुबह नाश्ता हो रहा है और नाश्ते में जो है वो चाय है और मेरा तो साथ में दही और नान है। तो बाकी जो है वो रात के बचे हुए सारे इनके साथ ही जिन से नाश्ता कर रहे थे। तो फिर उसके बाद कीमा जिन सा था वो बचा हुआ था, तो मैंने फिर फटाफट दो तरह के कोफ्ते बनाए, छोटे और बड़े मिक्स। यहाँ पे फिर जो है वो मैं आज कुछ चीज़ें जगह जो थी वो खुल गई थी, तो हम लोग भाई के साथ आ रहे थे बाहर, और बाहर जो है वो हमने जाना था IDC इस्लाम डायग्नोस्टिक सेंटर, क्योंकि वहाँ पे जो है वो भतीजे के टेस्ट कराने थे, MRI के टेस्ट, तो वहाँ पे फिर हम गए पहले। और शुक्र है वो खुला हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने लिख के दिया था कि उसको वो लाजमी करवाना है, तो फिर आज हम फिर वो करवा रहे थे। तो रश भी बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ हम ही थे जो वहाँ पे आ रहे थे टेस्ट। तो उसके बाद जिनसे वो हम लोग चीज़ें चले गए थे, जिस जिनसे वहाँ भी जिनसे ईद के दिनों में काफ़ी सा रश होती है, क्योंकि छोटी ईद पर भी हम रेंचर्स गए थे, तो वहाँ पे छोटी ईद पर भी बहुत ज़्यादा रश थी। तो यहाँ पे फिर भाई ने पिज़्ज़ा मंगवाया था और साथ में करीसन पास्ता और साथ में रोल प्लेटर मंगवाया था और साथ में जिनसे थे वो ड्रिंक थी। खाना छाना खा के हम लोग वापस घर आ गए और यहाँ पे जो है वो हमने थोड़ी देर टीवी देखा, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, फिर मैंने कहा कि टीवी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले CID लगाया, फिर उसके बाद हॉरर शो हमने लगाया, तो उसके बाद जिनसे वो आराम से बैठ गए और देखने लग पड़े। तो बस यही तरीका है कि बच्चों को कंट्रोल करने का, कि उनको टीवी लगा के दे दिया जाए। तो उसके बाद जिनसे वो भाभी ने आलू वाले चावल बनाए थे, क्योंकि गोश्त खा खा के इतना थक गए थे कि और कुछ समझ नहीं आया, तो गोश्त आलू वाले चावल बना लिए थे, और साथ में दिन का सालन था वो भी पड़ा हुआ था, जिन्होंने टिक्के वगैरह खाने थे उनके लिए अलग से सीट पे टिक्के वगैरह लगाए। तो ये था मेरा छोटा सा ईद के तीसरे दिन का व्लॉग। मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।